पूरे उत्तर भारत सहित राजधानी में लोगों के लिए जहां सर्दी आफत बन गई है, वहीं सर्दी से चोरों के वारे न्यारे हो रहे हैं। चोर सर्दी का फायदा उठाकर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार पूर्वी दिल्ली चोरों को खासा पसंद आ रही है। यहां के मुख्य बाजार जैसे गांधीनगर, कृष्णा नगर के बाद प्रीत विहार इलाके में भी चोरों ने शोरूम को निशाना बनाकर लाखों की माल सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। क्योंकि जब सुबह एक लड़का ऊपर का जो है स्टोर ओपन करने आया तो उनके पास मेरा नंबर था, तो उन्होंने मेरे को 9:15 के आसपास मेरे को कॉल आया कि रुपेश भाई आपके जो है ना ऐसे ऐसे शटर का जो है ना ताला टूटा हुआ है और नीचे का सामान ऐसे ऐसे है, जी आप आओ। तो वही फिर मैंने सर को भी अपना इन्फॉर्म किया, उसके बाद फिर मैं भागता हुआ यहाँ दुकान पे आया। पहुंचे तो क्या देखा अंदर? देखा कि सर जो मेन गेट का जो शटर है वो बिल्कुल सड़िए से किसी ने उठा रखा है, बाकी इसके अलावा तो हम नीचे गए नहीं। जो है पूरी रैक खाली है जो जीन्स और ट्राउजर का था, और साथ में ब्लेजर कुछ गायब हुए या कुछ ट्रैक सूट इस तरह के, हमें लग रहा है कि गायब हुए हैं। और कुछ कैश भी सर गायब हुए हैं, लेकिन वही 2.25 के आसपास 2 लाख का जो है ना गायब हुआ है। टोटल कितना सर? ऑलमोस्ट देखा जाए तो वही 10-12 लाख के आसपास चोरी है। शोरूम मैनेजर के मुताबिक सुबह उन्हें शोरूम के शटर टूटने की सूचना पड़ोसी ने दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मैनेजर ने शटर टूटने की सूचना पहले पुलिस और फिर मालिक को दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि चोरों ने ब्रांडेड कपड़े सहित शोरूम में लाखों के नगद पर हाथ साफ कर दिया है। लगातार हो रही वारदात पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी है, लेकिन सीसीटीवी होने के बावजूद चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। दिल्ली से अपने सहयोगी सुरेंद्र सिंह के साथ प्रियंका गुप्ता की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।